हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ पालक के सूप की रेसिपी, जो पीने में बहुत ही हेल्दी होता है और ये बहुत ही टेस्टी भी लगता है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, बच्चे भी इसे शौक से पीना पसंद करेंगे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने ले लिए पालक के पत्ते। ये मैंने एक बंडल पालक लिया था जिसका मैंने सिर्फ पत्ता पत्ता लिया है। डंडी इसमें से निकाल दी है और इसे अच्छे से मैंने 3 से 4 बार पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि पालक में बहुत सारी मिट्टी होती है। और इसे मैंने कट नहीं किया है क्योंकि हमें इसे पीसना है, तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसे होल यूज़ कर सकते हैं। और अब हम ले लेंगे कढ़ाई, इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच बटर। अगर आप चाहें तो आप तेल या फिर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बटर ही यूज़ करें, उससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। इसमें हम डालेंगे 1 तेज़पत्ता और 2-3 लौंग। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखें, इसे 10 सेकंड के लिए सौते करेंगे, जिससे कि बटर में इन सब का जो फ्लेवर है वो आ जाए। और आपको गैस का फ्लेम लो पे रखना है, वरना जो बटर है वो बहुत ही जल्दी बर्न हो जाता है। इसमें डाल देंगे 4 से 5 कलियाँ लहसुन की बारीक कटी हुई, और साथ में ही डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसी में मैंने पतला पतला स्लाइस कर लिया है। प्याज और लहसुन को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए सौते करना है, इसका जो कलर है वो हमें चेंज होने नहीं देना है। सिर्फ इसका जो रॉ फ्लेवर है, कच्चापन है प्याज और लहसुन का, वो हमें ख़त्म करना है। तो आप इसे लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए सौते कर ले। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे 1 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसमें पालक के पत्ते डाल देंगे जो हमने धो कर रखा था। आपको जितना भी बनाना है सूप, आप उस हिसाब से पालक ले सकते हैं। इसे मिक्स कर देंगे हम। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी और इसे कवर करके हम रख देंगे पकने के लिए 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए, यहाँ पर 5 मिनट हो गया है, पालक जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसमें से ये जो तेज पत्ता है इसे हम निकाल के हटा देंगे। इसे हमें नहीं पीसना है, इसका हमें बस फ्लेवर चाहिए था, जो कि आ चुका है। और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पालक के पत्ते थे, प्याज था, वो सब कुछ ठंडा हो चुका है। तो अब हम ले लेंगे एक मिक्सिंग जार और इसमें ये सारा कुछ हम डाल देंगे। और अब हम इसे पीस के इसकी प्योरी बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पालक को पीस लिया है, इसकी प्योरी मैंने बना ली है बिल्कुल फाइन। और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, जिससे कि अगर इसमें कोई सा भी मोटा पार्ट होगा जो नहीं पिसा होगा तो वो भी अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे एक बार छन्नी में स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे छान दिया है और जो भी नहीं पिसा था वो देखिए अलग हो चुका है। तो अब हम ले लेंगे थोड़ा सा पानी, मैंने मिक्सिंग जार में पानी डाल दिया है, और इसे भी हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि पालक जो है वो बहुत ही गाढ़ा है और जो सूप होता है वो इतना गाढ़ा नहीं होता है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है उसे एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे चूल्हे के ऊपर रखेंगे पकने के लिए। तो ये देखिए, मैंने इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया है, गैस का फ्लेम मीडियम पे है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच फ्रेश क्रीम, या फिर आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने दूध की मलाई ली है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सूप में, तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा, स्किप मत करिएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं पकाना है पालक को, सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसे पकते हुए 2 मिनट हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और नमक की जो क्वांटिटी है वो आप सूप में थोड़ा कम ही रखिएगा। साथ में डाल देंगे 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसे हम, और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 नींबू का रस। इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, आप ज़रूर ऐड करिएगा। ये देखिए, सूप की जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतली है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी सूप बनता है। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करके एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपके घर में बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बहुत पसंद आएगा और ये हेल्दी भी होता है। तो आप भी इसे ट्राई करें और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।